मुझे बताएं उससे बढ़कर बदनसीब कौन है जो दरिया के किनारे प्यासा मर जाए। रेगिस्तान में कोई प्यासा मर जाए तो उस पर सब्र आ जाता है, लेकिन दरिया के किनारे कोई प्यासा मर जाए तो सब्र भी नहीं आता। तो मुसलमान वो लोग हैं जो दरिया के किनारे रहते हुए प्यासे मर रहे हैं। ये हमें किसी ने गलत बता दिया कि हम मुसलमानों के घर पैदा हो गए तो अब जन्नत या कामयाबी हमारा मुकद्दर हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर शख्स ने इस दौड़ में हिस्सा लेना है, उसके बाद जो लोग कामयाब होंगे वही लोग कामयाब होंगे। ये दिमाग से बिल्कुल कीड़ा निकाल दें कि मुसलमानों के घर पैदा होने से जन्नत गारंटेड हो चुकी हुई है। हर शख्स को अल्लाह ताला की पहचान करनी है।